नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। थाना दिड़बा की पुलिस ने नशा तस्करी व चोरी के मामले में चार आरोपियों को किया काबू। अमृतसर के थाना सुल्तान विंड में पति को पैसे देकर जान से मारने की कोशिश में पत्नी को दो साथियों सहित किया गिरफ्तार। अमृतसर की झब्बाल रोड पर एक दुकान में सीमेंट कंपनियों के अधिकारियों की ओर से की गई चेकिंग, 150 बोरी सीमेंट किया जब्त। और अब हलचल विस्तार से। एसएसपी संगरूर सुरेंद्र लांबा के आदेशानुसार गलत तत्वों और समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ पुलिस द्वारा चलाई गई मुहिम के तहत थाना दिड़बा के क्षेत्र में नशा तस्करी करने वाले चार आरोपियों को पुलिस ने काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी दिड़बा पृथ्वी सिंह चाहल ने बताया कि आरोपी सुखविंदर सिंह उर्फ सीरा निवासी गांव खेतला, गुरविंदर सिंह उर्फ मिट्ठू निवासी धर्मगढ़ छन्ना के पास से 40-40 किलो भुक्की बरामद की है। तो वहीं दिड़बा बस स्टैंड पर एक्साइज इंस्पेक्टर बलदेव सिंह ने गुप्त सूचना के आधार पर नाकाबंदी कर एक टोयोटा करोला कार को रोककर जब उसकी जांच की तो उसमें से 216 बोतल अवैध शराब बरामद की गई। उन्होंने बताया कि आरोपी जरनैल सिंह उर्फ गोरा राजू सिंह दोनों निवासी दिड़बा की गिरफ्तारी अभी बाकी है। तो वहीं एक क्विंटल 60 किलो चोरी के गेहूं और एक गैस सिलेंडर सहित दो व्यक्तियों को काबू किया गया है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। जी मानयोग एसएसपी साहब, संगरूर जी की गाइडेंस हेठ असी जड़ा नशा बेचने वाले बंदे ने, स्मगलर्स ने ते होर जड़े क्रिमिनल्स ने उन्होंने खिलाफ जी मुहिम चलाई है, वो तहत असी पिछले दो दिनों के कुछ कार्रवाइया करिया ने, वो बारे थोड़ा जानकारी देना चाहते हैं। जिस तरह कि असी काकूवाल नाकाबंदी की सी, तो सू 80 किलो भुक्की बरामद की है जी दो बंद तो। सुखजिंदर सिंह एलियस शेरा है जी, ये वासी खेतला, तो गुरविंदर सिंह एलियस मिठू, ये वासी धर्मगढ़ छन्ना है। ये एक ट्रक विचों लेके आ रहे, ट्रक में इन्होंने लुकाया हुआ जी भुक्की, तो ये रात के समय कल असी बरामद करी है, तो अगे होर इन तो पुछगिछ जारी है। असी जी गुप्त सूचना सी, तो बाकी असी होर इन्हों की पुछगिछ करके यदा बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंक जरूर इस्टैबलिश करा कि ये कितों लैके आए तो अगे किनू बेचन जा रहे थे, ताकि जेड़े जरा पूरा लिंक है जी बैकबोन है ये असी तोड़ सकी। शराब का जी असी 25 तरीक न मुकदमा दर्ज होया जी, ये करोला गड्डी विचों सानू 18 पेटियां शराब दियां बरामद हुई सीगियां फॉर सेल इन हरियाणा। सुखविंदर सिंह धर्मगढ़ छन्ना है। किन्ने के टाइम तो कदों भुक्की लगांदा आ हुणी गल है, ये दूजे चक्कर दी कित्थों लैके आणा फिर? एमपी चों लैके आए। पहलां भी करदे सी? नहीं। की लगदा कि पछतावा हैगा हुण? बहुत ज्यादा है। कै जड़े कम करदे सी? ये दूजे गेड़ा दी बस। होर भी मुंडे हैगे तुहाडे नाल? नहीं जी असीं दो ही। अमृतसर के थाना सुल्तान विंड में गत दिनों एक महिला अरविंदर कौर निवासी शहीद उधम सिंह नगर की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी कि अज्ञात व्यक्तियों की ओर से डायमंड एस्टेट के नज़दीक उसके पति का रास्ता रोककर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई, जिसके बाद थाना सुल्तान विंड ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू की। इस संबंध में जानकारी देते हुए ACP दक्षिण अश्विनी कुमार अत्री ने बताया कि इंस्पेक्टर रंजीत सिंह धालीवाल और इंस्पेक्टर अमनदीप सिंह की अध्यक्षता इस मामले को ट्रेस करने के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई, जिसके चलते पुलिस ने जांच के दौरान जान से मान देने की नियत से गोली चलाने वाले अज्ञात आरोपी कैप्टन उर्फ साजन और सिमरनजीत सिंह उर्फ रिंका को काबू किया और उनके पास से वारदात में इस्तेमाल की गई 32 बोर की पिस्तौल, चार जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल और एक्टिवा भी बरामद की है। प्राथमिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि इस वारदात की मास्टरमाइंड अरविंदर कौर ही है।
जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अरविंदर कौर को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसमें बात सामने आई कि अरविंदर कौर का अपने पति के साथ घरेलू विवाद रहता था और अरविंदर कौर अपने पति से छुटकारा पाना चाहती थी। इसी रंजिश के चलते अरविंदर कौर ने अपने जानकार कैप्टन सिंह उर्फ साजन और उसके दोस्त सिमरनजीत सिंह उर्फ रिंका को पैसों का लालच देकर अपने पति को जान से मरवाने की कोशिश की, जिन्होंने धर्मेंद्र सिंह को जान से मारने की नीयत से गोली चलाई थी, जो कि एक निजी अस्पताल में दाखिल है। उन्होंने बताया कि सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर इन्हें अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि इनसे आगे की पूछताछ की जा सके। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मेरे घर वाले ऊपर कातराना हमला होया, गोलियां गोली चला के जख्मी किया गया, जिन्होंने बाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जोड़ा है अमरजीत हॉस्पिटल दाखिल कराया गया। जिन्हें दसा कि मैं अपने घर तो अपने भरा का मकान से देखने वास्ते गई सी अपने घर वाले के नाल, पिछों एक मोटरसाइकिल दो नौजवान आए थे जिन्होंने गोली मार के मेरे घर वाले फटर कर दिता सी। जी ये असी दो मुंडे फड़े है, एक परचा दर्ज कराने वाली ही लेडी फड़ी है जिहड़ा इन्हां मुंडियां दे नाल अफेयर सीगा, अफेयर होण करके जिहड़ा कि उन्होंने पैसे की डिमांड की सी। उन्हें कहा मेरा घर वाला रोडवे दे विच इंप्लॉई हैगा, जे तुसीं कुछ करना हैगा ते इहदे नाल कर सकदे हो। उन्नी शाम नूं जदों इह अपने भरा दे प्लाट ते गई आ, इह पहलां उन्हां नूं दस के गई है कि असीं घरों तुरन लगे हाँ, मोबाइल ते उन्होंने मैसेज किया इन्हें कि मैं मिस कॉल भी की आ, मैसेज भी किया कि असीं घरों चल पए हाँ। इन्हां जदों प्लाट के नेड़े पहुंचे आ और पिछों आ के उन्होंने जी है गोली मार दी। इन्हों एक ही इन्होंने फायर किया, दूसरा फायर तो मिस हो गया। ये है साजन है, बेसिकली गल एदा है तो स्टूडेंट ही है, कोई पुराना जो टीचर रही है उदो कि स्टूडेंट रहा है, बालिग सारे बालिग ने। अमृतसर के झब्बाल रोड पर एक दुकान में सीमेंट कंपनी के पदाधिकारियों की ओर से चेकिंग की गई। इस मौके पर उनके साथ पुलिस कर्मचारी भी मौजूद थे। मिली जानकारी के मुताबिक इस दुकान की ओर से कंपनी के नाम पर नकली सीमेंट बनाकर बेचा जा रहा था। इस दौरान लगभग 150 बोरी सीमेंट जब्त किया गया। पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। ACC और अंबुजा कंपनी के नाम पर जाली सीमेंट बनाकर उसे मार्केट में बेचा जा रहा था। इस मौके पर पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें सीमेंट कंपनी के अधिकारियों की ओर से शिकायत की गई थी, जिसके चलते वे कंपनी के अधिकारियों को लेकर यहां पहुंचे और जांच की जा रही है। अगर जांच में कोई दोषी पाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। हाँ जी, सानू कंप्लेंट आई थी कि इतने कंपनी वाले ने ACC ते अंबुजा ACC सीमेंट्स वाले की, तो उस कंप्लेंट दे ते असी अपनी कार्रवाई की है। किन्नी बोरियां फड़ी हूँ असी कर रहे हैं, अकाउंट इन प्रोसैस है, फिर तो आँधी डिटेल थोड़ा अपडेट कर देंगे। की कार्रवाई की गई है जी? असं आए कंपनी वाले है साढ़े नाल वेरीफाई करने लिए, तो उन्होंने देखने लिए कि जाली सीमेंट जो बिक रहा है वो कार्रवाई कर। पहले फार्मेसी परीक्षा फार्मेसी कॉलेजों में ही होती थी, लेकिन इस बार पहली बार पूरे पंजाब में सरकार की ओर से CCTV कैमरों से चंडीगढ़ बैठकर अपने सरकारी ITI सेंटर्स में परीक्षा करवाई गई। सरकारी परीक्षा सेंटर्स में चेकिंग पर आए सेक्रेटरी पंजाब स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन रामवीर सिंह ने कहा कि सरकार को शिकायतें मिल रही थी कि फार्मेसी परीक्षा में जो पहले निजी कॉलेजों में होती थी वहां पर इसमें गड़बड़ी हो रही है। इसी को लेकर सरकार ने अब इसको सरकारी ITI सेंटर्स में लेने का फैसला किया, जिससे चंडीगढ़ बैठकर परीक्षा में बैठे स्टूडेंट्स पर नज़र रखी जा रही है। लेकिन संगरूर के मूनक ITI सेंटर में एक कॉलेज के सभी स्टूडेंट परीक्षा से गैर हाजिर रहे। जब इस पर कॉलेज मैनेजमेंट के साथ बात की गई तो संजय सिंगला ने बताया कि उनके कॉलेज के सभी बच्चे उनसे अपने रोल नंबर 2 दिन पहले ले गए थे। वे खुद भी परीक्षा सेंटर मूनक में गए थे, लेकिन उन्हें भी सुबह पता चला कि कोई भी बच्चा वहां पर नहीं गया।
उन्होंने बच्चों से बात भी की है, लेकिन उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है कि बच्चे परीक्षा सेंटर क्यों नहीं गए। परीक्षा सेंटर भेज चेकिंग के लिए चंडीगढ़ से सेक्रेटरी पंजाब स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन रामवीर सिंह ने बताया कि परीक्षा देने वाले बच्चों पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही थी, जिसकी लाइव फोटो चंडीगढ़ उनके ऑफिस में जा रही है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। पिछले कुछ सालों तो सानू टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड के विच कंप्लेंट्स मिल रही थी कि कुछ थावां ते जिहड़ा है फार्मेसी कॉलेजेस दे विच कुछ मल प्रैक्टिसिस एग्जाम के दौरान हो रही थी। उन्होंने ठीक करन वास्ते मानयोग टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर दे मैडम सीमा जैन एडिशनल चीफ सैक्रटरी कम चेयरपर्सन टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड के अगुवाई दे विच टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड ने ऐतकी जिहड़े सारे एग्जाम सेंटर्स सी ओह गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनस दे विच गवर्नमेंट ITI दे विच शिफ्ट किए, तो टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स के नाल सारे एग्जाम सेंटर्स से CCTV कैमरे ला के तो उन्हों की लाइव फीड जी है रियल टाइम चंडीगढ़ हेडक्वार्टर के मोनीटर की जा रही है। इसे लड़ी के कल मैडम सीमा जैन के इंस्ट्रक्शनस के मुताबिक मैं संगरूर जिले के कुछ सेंटर्स विजिट किए, मूनक सुनाम तो संगरूर मूनक दे एक कॉलेज के 100% स्टूडेंट्स ही गैर हाजिर पाए गए, और कारण जिहड़े हैगे उन्हां तों असीं पता करन दी कोशिश कर रहे हैगे, ते बाकी भी एबसेंटिज़म सीगा, बट इहदे नाल जिहड़ा हैगा ये जिहड़ी कंप्लेंट सीगी इहदा निजात होएगा, ते चंगे स्टूडेंट्स जिहड़े हैगे प्रोपरली पढ़ाई करके मैरिट ते जिहड़े नंबर लैंदे हैगे उन्हां नूं बहुत हौसला मिलेगा। अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल में इंसानियत को शर्मसार कर देने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक हिंद समाज एकता, जो कि गरीब लोगों की सेवा करती है और गरीब लोग जो अस्पताल में अपनी दवाइयों का खर्चा नहीं उठा सकते, ये संस्था उन लोगों की मदद करती है। संस्था के नेता ने बताया कि वे अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल में पहुंचे थे। डॉक्टरों की ओर से उन्हें बताया गया कि एक परिवार को उनकी सहायता की जरूरत है। जब उन्होंने जाकर देखा तो सब हैरान हो गए, जहां एक 12 वर्षीय बच्ची की ओर से एक बच्चे को जन्म दिया गया। जब उन्होंने लड़की से पूछा तो उसने बताया कि वह फगवाड़ा शहर की रहने वाली है। संस्था के नेता ने बताया कि लड़की ने उन्हें बताया कि जब वह 2 साल की थी तो उसकी माँ घर से भाग गई थी। लड़की ने बताया कि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, वह सिर्फ चेहरा देकर उस व्यक्ति को पहचान सकती है। वहीं जब लड़की के पिता से इस संबंधी पूछा गया तो उसने बताया कि उसे खुद इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। जब लड़की के पेट में दर्द हुआ तो उन्होंने उसे गुरु नानक देव अस्पताल में दाखिल करवाया, जहां उनकी बच्ची की ओर से एक बच्चे को जन्म दिया गया। बच्चे की हालत अभी ठीक नहीं है और डॉक्टरों की ओर से उसका इलाज किया जा रहा है। संस्था के नेता ने कहा कि लड़की को डराया धमकाया गया है, जिस कारण लड़की डरी हुई है। वहीं इस संबंध में अस्पताल प्रशासन द्वारा पुलिस को भी जानकारी दी गई है और फगवाड़ा शहर की पुलिस द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जी कल मैंने एक फोन आया, मैं लुधियाने सेगा तो इतने सेवादार साढ़े मौजूद सके, तो सू फोन आया कि एक 12 साल की बच्ची है जिन्होंने एक बेबी होया। सो उस टाइम ये गल सुनकर तो मैं हैरान ही रह गया, 12 साल की बच्ची है तो उन्होंने मतलब कि बच्चा होया। सो उस टाइम मैं चलो मैं आ रहा, तो इतने 2.5 to 3 घंटे बाद मैं पहुँचा, तो सारे हालात को समझने की कोशिश की, बच्ची को पूछा भी हाँ बेटे भी किस तरह होया की होया भी ये बच्चा किस तरह की रहेगा। वो बच्ची कुछ दस नहीं पा रही, बच्ची ने इन्नी गल दसी है कि खुले के जी शौच कर जाती सी, तो जिते कि वो दो बारी जो गलत काम होया। सो ये काफ़ी हैरानगी वाली गल है कि साढ़े समाज के यह जे लोग भी है कि जोड़ी छोटी छोटी बच्चियाँ जी 12 साल की बच्ची भी जरा नहीं छड़िया। सो ये काफ़ी हैरानगी वाली गल है, तो मैं ये प्रशासन को चाहूँगा कि ये वर खिलाफ़ जी सख्त तो सख्त जी कार्रवाई की जाए, तो पूरी इनकुआरी की जाए कि हो कुछ किस तरह होया, ये कौन तत्व ने। एक लड़की थी 12 साल की, उसके हाथ में बच्चा था, प्री मैच्योर बेबी, और लड़की के पिता थे उसके साथ। जब हमने जानने की कोशिश की कि क्या मैटर है, तो उन्होंने पहले कुछ नहीं बताया। फिर जिस तरह के डॉक्टर हमें बता देते हैं कि यहाँ वार्ड में कौन कौन नीडी पेशेंट है, आप इनकी हेल्प कर दो, तो डॉक्टर ने हमें बताया कि इस पेशेंट को ना आपकी हेल्प की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये खर्चा नहीं उठा पाएंगे बाहर का। फिर जब हमने केस सुना तो वाकई में मेरा खुद भी दिमाग ख़राब हो गया कि मतलब आज की दुनिया में ये हो क्या रहा है। एक 12 साल की बच्ची पिछले 7 महीने से प्रेग्नेंट थी और उसके पिता को पता ही नहीं था, जो उसके पिता के बयान थे। हमने उसके पिता से जानने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि आज डिलीवरी हुई है सुबह,
तो मुझे पता चला कि ये प्रेग्नेंट थी। आईपीएल मैच पर सट्टा लगाने वाले दो सट्टेबाजों को धूरी पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से एक लैपटॉप, 7 मोबाइल फोन, 6,000 रुपए की नकदी भी बरामद की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि गुजरात और मुंबई इंडियंस के हुए मैच में ये लोग सट्टा लगा रहे थे और पिछले 2 वर्षों से मैचों पर इलीगल ढंग से सट्टा लगाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ की जा रही है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। इलीगल जो ऑनलाइन जो क्रिकेट आईपीएल के मैचों पर बैटिंग करते सी, वो दे तहत 2 बंदे काबू किए ने, ते उन्हां कोलों जो सानू रिकवरी हुई है एक लैपटॉप जिदे ते वो ऑनलाइन पैसे लगा रहे थे लाइव मैच से, गुजरात ते मुंबई इंडियंस का मैच सीगा कल, ते नाल उन्हां कोलों 7 मोबाइल फोन ते 6,000 रुपए जिहड़ी है करंसी बरामद हुई है। दोषियों की पुछगिछ तो यह गल सामने आई है कि यह पिछले 3-4 साल तो इलीगल बैटिंग करते सीगे, दोनों ही बरनाले शहर के रहने वाले हैगे ने। पहले का नाम है तनिश कुमार उर्फ अंचल वासी सेखा रोड बरनाला, तो दूसरा मनीष कुमार उर्फ काका, दोनों बरनाले के रहने वाले ने। इत्थे अपने धूरी शहर च गुरु नानक नगर विखे कोई किराए का मकान सीगा जिथे ये आके ऑनलाइन बैटिंग करवा रहे सी लोगों, गाहक इन्हों कॉन्टैक्ट करते सी, इन्होंने अपने सॉफ्ट लैपटॉप के जो कोई सॉफ्टवेयर आ टैली सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल करके वो तहत अगे बैटिंग जी है वो कर रहे थे। हजे तक तो जी फिलहाल इन्हों के सॉफ्टवेयर तो भी जो सानू देखने को मिले वो आईपीएल के मैचेस का ही सामने आया, पर फिर भी असी फोरेंसिक जोड़ा है एनालिसिस सॉफ्टवेयर भेजा साड़ी रेंज फोरेंसिक लैब में, वो तो सानू होर भी मतलब इनफॉर्मेशन जो एक्सट्रैक्ट हुई वो मुताबिक सानू पता लग गया। गत दिवस नगर कौंसिल खरड़ में कौंसिल प्रधान जसप्रीत कौर लोंगिया की प्रधानगी में हुई मीटिंग के दौरान खरड़ के कार्य साधक अधिकारी ईओ गुरदीप सिंह द्वारा मीटिंग में मौजूद मीडिया के लिए इस्तेमाल की गई भद्दी शब्दावली और कौंसिल प्रधान द्वारा इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया ना देने के रोष स्वरूप खरड़ पत्रकार संघ के सदस्यों की ओर से प्रधान पंकज चड्डा की अगुवाई में बस स्टैंड खरड़ में पत्रकारों की ओर से ईओ गुरदीप सिंह और कौंसिल प्रधान जसप्रीत कौर लोंगिया का पुतला फूंका गया। कुराली से हलचल के लिए अश्विनी गौड़ की रिपोर्ट। कल मीटिंग अफसर ने कुछ भद्दी शब्दावली बोली पत्र मीडिया के खिलाफ जी गलत थी, तो उन्ना ही नगर कौंसल प्रधान ने भी एनी जी नगर कौंसल प्रधान है उन्हें भी इस कोई भी साथ नहीं दिया, तो अपने चुपता धारिया पत्रकारों का कोई साथ नहीं दिया, जबकि पत्रकार उन्होंने बुलावे पर गए थे, ठीक है, तो ना ही उन्हें कोई पत्रकार के हक गल की। दोनों ही साढ़े लिए दोषी हैं, असी यही ताही इन्हों अल्टीमेट सरकार और प्रशासन मांग करी है भी दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सतगुरु कबीर जी महाराज जी के प्रकाश पर्व को समर्पित 70वीं प्रभात फेरी सतगुरु कबीर मुख्य मंदिर भार्गव नगर जालंधर से निकाली गई। ये प्रभात फेरी इलाके की परिक्रमा करते हुए रामलाल के निवास स्थान पर जाकर संपन्न हुई, जहां पर पारिवारिक सदस्यों में शोभा रानी, शैली, सोमा, सोनू, प्रीति, रेखा, संजीव, वीना, साहिल, पूजा, दीपू, लपरित, अजय और आरती ने पुष्प वर्षा कर इस प्रभात फेरी का स्वागत किया। इस दौरान भक्तों ने सतगुरु कबीर जी की महिमा का गुणगान कर माहौल को भक्तिमय रूप प्रदान किया। इस अवसर पर असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन दविंदर की रिपोर्ट।
सतगुरु कबीर साहब जी का प्रकाश उत्सव जो इस साल 4 जून को संसार भर में मनाया जाएगा, उसी के संबंध में 3 जून को शोभा यात्रा जो सतगुरु कबीर मुख मंदिर तो शुरू होकर सारे शहर का परिक्रमा करेगी और सारी संगत नूं, सारियां बरादरियां नूं और सारे ही धार्मिक जथेबंदियां नूं साडी अपील है कि वध चढ़ के इस पर शोभा यात्रा दे विच शामिल होना है, गुरु घर दीआं खुशियां प्राप्त करनियां हन। इस शोभा यात्रा दे विच धार्मिक जथेबंदियां ते राजनीतिक जथेबंदियां सारियां ही हुमहुमा के पहुँचणगियां और सारियां सभावां सुंदर सुंदर पालकियां बना के इस शोभा यात्रा विच पहुँचणगियां जी। मैं सारियां नूं एक बार फिर बेनती करदा कि कोई भी नौजवान साथी किसी भी तरह का नशा या कोई हथियार लैके इस शोभा यात्रा में शामिल ना हो। शोभा यात्रा के गुरु के भजन गाँवते हुए ही असी सारे शहर का परिक्रमा करना है और मैं बेनती करता हाँ उन्होंने नौजवानों साथियों जोड़े रस्ते स्टेजा लगाते हैं आई संगत का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने साड़ी बेनती है कि जो स्टेजा के उपर जिन्हें भी उन्होंने गीत चलते हैं वह सिर्फ भजन ही सतगुरु कबीर साहब के चलन। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर पावन सरोवर तटवासनी पर स्थित विश्वमुखी माँ त्रिपुर मालिनी धाम में साप्ताहिक भजन संध्या करवाई गई, जिसमें सर्वप्रथम माँ त्रिपुर मालिनी चालीसा का गुणगान राजकुमार सैगल एंड पार्टी द्वारा किया गया, जिसके पश्चात भजन गायकों ने माँ भगवती के भजनों को गाकर उपस्थित माँ भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। वहीं माता की चौकी में मंच संचालन बलदेव आनंद ने किया। इस अवसर पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, वरिष्ठ उप प्रधान ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, पूर्व प्रधान विनोद गुप्ता ने विशेष रूप से पहुंचकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर अरुण वर्मा, रमन शर्मा, मनीष शर्मा, राजू शर्मा, पवन मेहता, सुनील अरोड़ा, भूषण कोहली, अर्जुन मल्होत्रा, दमन मेहता सहित बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। सतगुरु कबीर मंदिर कबीर विहार राजनगर बस्ती बावा खेल जालंधर में सतगुरु कबीर जी महाराज के 625वें प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में श्री गुरु ग्रंथ महाबीजक के पाठ किए जा रहे हैं। इस दौरान पंडितों ने दूसरे दिन विधिवत पूजा अर्चना कर आए हुए भक्तों से श्री गुरु ग्रंथ महाबीजक पाठ करवाई। इस मौके पर मंदिर कमेटी के प्रधान सिकंदर लाल, रामलाल, ओम प्रकाश, मंगत राम मांगली, प्रीतम दास, बलवंत राय, राकेश कुमार, विजय कुमार, ओम प्रकाश काका, सोमनाथ, मोहिंदर पाल, जगदीश चंद्र, सिकंदर लाल, पवन कुमार, दिनेश बब्बू, दिव्यांशु, अंकुश सहित बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन दविंदर की रिपोर्ट। धन धन सतगुरु कबीर साहब जी। सतगुरु कबीर साहब जी का 625वां प्रकाश उत्सव बड़े हुम हुमा के पूरे संसार दे विच चल रहा है, जो कि प्रकाश उत्सव 625वां 4 जून दिन इतवार को बड़ी श्रद्धा के नाल मनाया जा रहा है। सतगुरु कबीर चौरा धाम दे विच जो बनारस दे विच जिथे उन्हों का प्रकाश होया लहर तला दे विच बड़ी खुशियां दे नाल हुम हुमा के उत्थों दी जो संगत है, जो संत महाराज जी हैं बड़े हुम हुमा के वो गुरु महाराज का प्रकाश उत्सव मना रहे हैं। उसके संबंध दे विच पंजाब दे विच सतगुरु कबीर मुख मंदिर दे विच सब तो पहला उपराला
ਸਾਂਝੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਦਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਂਬੀਜਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਪਾਠ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਔਰ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਪਾਠੀ ਸਹਿਬਾਨ ਜੋ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਾਠੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਜਤਨ ਜੀ, ਦੀਪਕ ਜੀ, ਆਦਰਨੀਯ ਸਾਡੇ ਮਹੰਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਕਬੀਰ ਵਿਹਾਰ ਬਸਤੀ ਬਾਬਾ ਗੜ੍ਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਲ ਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 625ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ 'ਤੇ ਅਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਭੋਗ ਅਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਰਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ 3 ਦਿਨ ਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ, ਆਈਆਂ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੰਦਰ ਆਓ, ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕੋ ਔਰ ਪਾਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਲਓ। ਬਸਤੀ ਬਾਬਾ ਖੇਲ, ਕਬੀਰ ਵਿਹਾਰ ਬਸਤੀ ਬਾਬਾ ਖੇਲ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ 625ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੇ ਆ ਅਤੇ 28 ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਧੰਨ ਕਬੀਰ, ਜੈ ਕਬੀਰ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ, ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਰਵ ਕੋ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰਦਾਸ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਵਰਕਸ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਬਸਤੀ ਨੌ ਜਲੰਧਰ ਮੇਂ ਭਵਯ ਲੰਗਰ ਏਵਮ ਠੰਡੇ ਮਿੱਠੇ ਚਲ ਕੀ ਛਬੀਲ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਆਪ ਨੇਤਾ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਏਵਮ ਸ਼੍ਰੀਕੰਠ ਜੱਜ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਸੇ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋ ਕਰ ਕੀਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਰਚ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਸਹਿਤ ਅਨਯ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਰੇਂਦਰ ਬਾਵਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਕਿ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਜੇ ਲੰਗਰ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰਦਾਸ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਛਬੀਲਾਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਸਾਲ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਨਰ ਸੇਵਾ ਨਰਾਇਣ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਦਿਹਾੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੀਲਕੰਠ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਰਦਾਰ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਮਿੱਠੇ ਜਲ ਦੀ ਛਬੀਲ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਸਾਲ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਨੇ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਥਰੂ
इन्हों का आशीर्वाद मिलता है। गुरु महाराज की अपार कृपा है। यह परिवार चढ़ती कला च है। अपने गुरुआ के नतमस्तक हो के सारू कठिया करते हैं। मिठे जल की लंगर का प्रसाद वरता के सारू प्यार देंगे है। तो गुरु महाराज का आशीर्वाद लेंगे है। महाराज इन्होंने ऐदा ही अपार कृपा बनाए रखे। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। थाना दिड़बा की पुलिस ने नशा तस्करी व चोरी के मामले में चार आरोपियों को किया काबू। अमृतसर के थाना सुल्तान विंड में पति को पैसे देकर जान से मारने की कोशिश में पत्नी को दो साथियों सहित किया गिरफ्तार। अमृतसर की झब्बाल रोड पर एक दुकान में सीमेंट कंपनियों के अधिकारियों की ओर से की गई चेकिंग, 150 बोरी सीमेंट किया जब्त। के साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।